सोहागपुर से। भाजपाई के मुताबिक गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा डबरा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी का पूरे प्रदेश में हो रहा विरोध। जहां कल प्रदेश स्तर पर युवा मोर्चा अध्यक्ष नीरज यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा से ही महिलाओं को अपमानित किया, कमलनाथ ने महिला प्रत्याशी को अपशब्द कहे, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसी को देखते हुए आज नगर में भाजपा एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा श्री राम चौक पर कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी माहेश्वरी, कृष्णा पालीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आकाश रघुवंशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष नीरज यादव, भाजपा नेता मनोज गोलानी, उमेश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, विधायक प्रतिनिधि अश्विनी सरोज, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर, कपिल सोनी, महेंद्र ठाकुर, निलेश खंडेलवाल, राकेश मंडल, गणेश अहिरवार, अरुण चौरसिया, अमित चौरसिया, सागर रघुवंशी, अक्षत आचार्य, सचिन चौरसिया सहित कई अनेक भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर भारतवर्ष के लिए सोहागपुर से रुपेश मेहरा की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।